गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंजीनियरिंग मटेरियल से है और इंजीनियरिंग मटेरियल में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं। इसमें से जो हमारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, फर्स्ट वन हमने स्ट्रेस और उसकी टाइप्स देखी थी और सेकंड वन था हमारा स्ट्रेन और उसकी टाइप्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी और इसके साथ रिलेटेड आपकी टर्म्स। तो फर्स्ट वन डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलास्टिसिटी होता क्या है। इलास्टिसिटी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण आपकी बॉडी अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल लोड। फॉर एग्जांपल सपोज करो हमारे पास एक बॉडी है, ये ठीक है, इसके ऊपर ऐसे दोनों तरफ से लोड लगा रहे हैं। सपोज करो 10 न्यूटन का लोड लग रहा है। अब लोड के कारण क्या होगा, बॉडी की इलॉन्गेशन हो जाएगी। तो सपोज़ करो लोड के बाद जो बॉडी की शेप है आपकी इस तरह की हो गई है, ठीक है। सपोज़ करो इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, अब इसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ, ये बॉडी के ऊपर जब हमने एक्सटर्नल लोड लगाया तो बॉडी ने क्या किया, बॉडी में इलॉन्गेशन हो गई है। सो ये इलॉन्गेशन किसके कारण हुई है, बॉडी में इलास्टिसिटी के कारण। अब सपोज़ करो ये वाला लोड मैं रिमूव कर देता हूँ, ये लोड है जो आपका वो रिमूव हो गया, तो क्या होगा, लोड रिमूव होने के बाद बॉडी अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो बॉडी अब अपनी पोजीशन पर वापस आई है, दिस इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलास्टिसिटी। बॉडी इलास्टिक थी इसीलिए वो अपनी पोजीशन पर वापस आ चुकी है, ठीक है। सो द डेफिनेशन इज व्हेन इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल लोड। बॉडी का एक्सटर्नल लोड हटाते ही आपकी बॉडी रीगेन कर लेगी अपनी पोजीशन को। लेकिन इसका भी एक लिमिट है कि बॉडी के ऊपर ये नहीं कि आप लोड लगाते जाओ तो बॉडी हर बार अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगी। तो बॉडी कब तक वापस आती है अपनी पोजीशन पर, जब तक हम क्या करते हैं, उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर लोड लगाते हैं। कोई भी मटेरियल है हमारे पास तो उसका एक इलास्टिक लिमिट होगा, उसके इलास्टिक लिमिट की एक वैल्यू होगी, उसके अंडर अंडर जितना जब हम लोड लगा रहे हैं तो बॉडी इलास्टिक एज अ इलास्टिक बिहेव करेगी। अगर इलास्टिक लिमिट के बाहर हमने लोड लगा दिया तो बॉडी अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाएगी। सपोज करो फॉर एग्जाम्पल किसी भी डक्टाइल मटेरियल की हम एग्जांपल ले लेते हैं, उसका इलास्टिक लिमिट है हमारा 50 न्यूटन, ठीक है। सो ये इसके अंडर हम जब लोड लगाएंगे तो बॉडी इलास्टिसिटी के कारण अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगी। लेकिन जैसे सपोज करो यहाँ पर मैंने लोड लगा दिया 55 न्यूटन, तो अब क्या होगा, अब हम इसकी जो इलास्टिक लिमिट है वो क्रॉस कर चुके हैं, अब बॉडी अपनी पोजीशन पर रीगेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। जब ये वाली सिचुएशन आ जाए, बॉडी आपकी रीगेन ना कर पाए, सो दैट्स कॉल्ड प्लास्टिसिटी। सो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर प्लास्टिसिटी, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट इलास्टिक के। जब हम इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे तो बॉडी कौन सी स्टेज में आ जाएगी, आपके प्लास्टिसिटी में। यहाँ पर बॉडी अपनी पोजीशन पर रीगेन नहीं कर पाती। बॉडी की अगर सपोज करो ये लेंथ हो गई है लोड लगाने के बाद और मैं ये वाला लोड हटा भी रहा हूँ, हमारा ये लोड मैंने हटा दिया तो बॉडी अपनी पोजीशन पर इसी में रहेगी, ठीक है। सो दिस इज नोन एज प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी इज ऑपोजिट टू ईच अदर। नेक्स्ट जो हमारा इसमें है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या चीज है, हुक्स लॉ बोलता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। जितना स्ट्रेस बॉडी के ऊपर लगा रहे हैं उतना ही बॉडी के बीच में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा विद इन इलास्टिक लिमिट। जब आप इलास्टिक लिमिट के अंडर लोड लगा रहे हो तब आपका हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। अगर इलास्टिक लिमिट के आप बाहर निकल जाते हो तो ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। देन स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का मतलब ये है कि जितना बॉडी के ऊपर लोड लगाएंगे
उसी के प्रोपोर्शनली आपकी बॉडी में जो चेंजेस आएंगी उसकी डायमेंशन चेंज होगी। स्ट्रेन वी नो दैट इज चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो जितना स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। अगर स्ट्रेस कम हो रहा है तो बॉडी का स्ट्रेन भी कम होगा, ठीक है। तो यहां से आपका एक फॉर्मूला निकल के आता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब हटाते हैं हम तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है हमारे पास, ठीक है। सो ये बन गया हमारा, स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन एंड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपका फार्मूला निकल के बनता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये वाला जो हमारा कांस्टेंट है इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी आपका टाइप ऑफ लोड के, लोड कौन सा लग रहा है वहां पर, टेंसाइल लोड लग रहा है, कंप्रेसिव लोड लग रहा है या शियर लोड लग रहा है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो वहीं से शुरू होता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लोड ये वाले जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो अलग अलग आएगी, और ये हमारा टॉपिक बन जाता है इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस में हमारा जो फर्स्ट वन है वो है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, और यंग्स मॉडुलस क्या होता है, ये कांस्टेंट है ये वाला, यही कांस्टेंट हमारा ये वाई है, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस में क्या आएगा हमारे पास, ये जो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है ये बन जाएगी टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। मतलब ये कि यंग्स मॉडुलस हम कब लेंगे, तब लेंगे जब आपका लोड कौन सा लग रहा हो, टेंसाइल लोड लग रहा हो, ठीक है। या तो टेंसाइल लोड लग रहा हो और या फिर लोड हमारा कौन सा हो, कंप्रेसिव लोड हो। सो यंग्स मॉडुलस क्या है, यंग्स मॉडुलस ये वाला जो कांस्टेंट है हमारा, वो हम यंग्स मॉडुलस तब लेंगे जब आपका लोड या तो टेंसाइल हो या फिर आपका कौन सा लोड लग रहा हो, कंप्रेसिव। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस ओवर कंप्रेसिव स्ट्रेन। यहां से अगर इसका यूनिट निकालें तो यूनिट कहां से निकलेगा, आपके इस वाले फार्मूले से, ठीक है। तो स्ट्रेस का क्या फार्मूला है हमारे पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, एंड स्ट्रेन का फार्मूला क्या है, स्ट्रेन इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। तो इसका कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास, तो आपका यंग्स मॉडुलस का फार्मूला क्या आ गया, यूनिट क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है। तो जो स्ट्रेस का आपका यूनिट है वही आपका मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस का यूनिट होगा। नेक्स्ट जो मॉडुलस है हमारा वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यही चीज वाई, ये कब होगा, जब आपका शियर स्ट्रेस लग रहा हो। तो यही इलास्टिक मॉडुलस जो आपका यंग मॉडुलस है वो क्या बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बन जाएगा जब आपका लोड कौन सा हो, शियर स्ट्रेस आपकी प्रोड्यूस हो ड्यू टू शियर लोड, और उसी के कारण बॉडी में शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो। सो दैट्स नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यहां से इसका यूनिट निकालो तो यूनिट क्या बन जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, स्ट्रेस का वही आ गया हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यूनिट भी सेम है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो स्ट्रेस का, यंग मॉडुलस का और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीनों का हमारे पास यूनिट क्या आएगा, सेम आएगा। लास्ट है इसमें आपका थर्ड वन, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होगा, जब भी हम किसी यूनिफॉर्म बॉडी के ऊपर, सपोज करो क्यूब है हमारे पास, इसके सभी तरफ से इक्वल लोड लगाएं, ठीक है, इसके सभी तरफ से क्या, इक्वल लोड लग रहा हो, और जो बॉडी में चेंज आएगा ड्यू टू दिस लोड उसको, दोनों की रेशो को हम क्या बोलेंगे, बल्क मॉडुलस। सो बल्क मॉडुलस हमारे पास आ जाएगा
नॉर्मल स्ट्रेस, जितनी स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई ड्यू टू दिस लोड, इस लोड के कारण बॉडी के बीच में जितनी भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस। और जो चेंज आएगा बॉडी के बीच में वो होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन जब भी आपके पास वर्ड आ जाए दैट मीन्स के बॉडी की डायमेंशंस चेंज हो रही है। तो जब ये सभी तरफ से आपका इक्वल लोड लगेगा तो बॉडी क्या कंप्रेस हो जाएगी, और कंप्रेस होने के कारण क्या है, बॉडी की डायमेंशंस चेंज हो जाएगी। तो वही जो चेंज आएगा वो है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। सो ये तीन तरह के मॉडुलस थे आपके, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। और इनका आपके डिपेंड करता है कि कौन कौन से टाइप का लोड लग रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतने, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक इम्पॉर्टेंट, इसका है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन करो, वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।